ये जो टैंक सफाई हुआ था ये दीपावली से 10 दिन पहले हुआ था। देखिए पानी जो है इससे 6-7 इंच कम हो चुका है और पानी तब पर भी क्लीन है। तो इसका जो है ये फिल्टर का ये करिश्मा है और हम जो है आज इसमें पानी भी डालेंगे और इसका फिल्टर जो है ये भी साफ़ करेंगे स्पंज वाला। ये देखिए कितना गंदा हो चुका है, ये हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि ये कितना कारगर फिल्टर है। ये जो स्पंज देख रहे हैं ये सारा पूरा काला हो चुका है, एकदम पूरा गंदा से पूरा एकदम कादो टाइप का हो चुका है, लेकिन पानी अभी भी क्लीन दिख रहा है आपको। तो ये जो है स्पंज फिल्टर और ये टॉप फिल्टर का कमाल है। इधर दोनों तरफ टॉप फिल्टर लगा हुआ है, दोनों का स्पंज जो है पूरी तरह से गंदा हो चुका है। इसको आज हम सफाई करेंगे और इसमें पानी को डालेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं कि कैसा लुक आता है। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहिए कि इसका सफाई करने के बाद कैसा लुक आता है। तो फटाफट से इसका स्पंज निकालते हैं और स्पंज निकाल के इसको सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद फिर लगाएंगे और इसमें पानी को डालेंगे न्यू पानी। तो देखिए इसके बाद ये कैसा लुक दिखता है, तो देखते रहिए वीडियो में बने रहें। ये देखिए फटाफट सब निकालते हैं, ये देखिए सारा कितना कचरा हो चुका है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए ये फिल्टर का कमाल है, ये सारा गंदगी जो है इसमें जाके बैठ गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत सारा गंदगी जो है इसमें एकदम दब गया है। ये पूरे 2.5 महीना हो चुका है, ये 2.5 महीना के बाद सफाई हो रहा है। दीपावली में साफ हुआ था, उसके बाद सफाई नहीं हुआ था, लेकिन आज सफाई होने जा रहा है ये। और सफाई होने के बाद देखिए कैसा लुक आता है, तो वीडियो में बने रहें। तो पानी इतना कम हो चुका है, पानी ये पीला भी हो चुका है धीरे धीरे, इसमें जो है पानी जो है ये देखिए बहुत सारा कम हो गया है, इसमें पूरा पानी पीला कारण ये थोड़ा सा गंदा टाइप का लग रहा है, लेकिन पानी इसमें डलाएगा तो ये देखिए कितना अच्छा लगेगा। इसमें देखिए कितना कचरा निकल रहा है, ये देखिए पूरा पानी काला हो चुका है। इसको अच्छा से सफाई करके फिर लगाते हैं, तब दिखाएंगे आपको फिर अच्छा से। ये फिल्टर साफ हो चुका है और इसमें पानी जो खाली था ये भर दिए हैं। अब भरने के बाद देखिए ये पूरा कितना अच्छा साफ लग रहा है, इसमें मछली अच्छा से खेल रहा है, तैर रहा है। और ये फिल्टर सफाई हो गया है, तो देखिए आपको फिल्टर भी दिखा देते हैं। फिल्टर का रोई भी साफ हो चुका है, साफ हो के लग चुका है, लेकिन दोनों साइड लग चुका है। और पानी जो है अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो आप अपने घर में भी लगाना चाह रहे हैं टॉप फिल्टर, तो आप लगा सकते हैं, ये बहुत कारगर टॉप फिल्टर है, ये सब कमाल टॉप फिल्टर का ही है। तो आपके घर में अगर एक्वेरियम जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है तो उसके लिए आप ये टॉप फिल्टर लगा लीजिए, तो आपका पानी बिल्कुल साफ रहेगा और बिल्कुल इस तरह से क्रिस्टल क्लियर दिखेगा।